उन्होंने हमें अंदर जाने नहीं दिया भाई। जंगल में आ गए हम भाई, इनके अंदर ऐसी बड़ी आ गए। और आपने ये बिजली माथे वाला पहाड़ देखा है? तो यहाँ पे सामने शेर चीता वगैरह आके बैठ जाते हैं रोड पे। इनको बस लोकेशन दे दो, शर्टलेस हो जाते हैं। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सब एक नए वीडियो में। और आज है डे 5 और हमें 4 दिन हो गए हैं यहाँ पर आए को। आज जाके मेरे को होम सिकनेस फील होने लगती है। अब तो मन कर रहा है कि बस अब जल्दी जाएं वापस। एक लास्ट फंक्शन रहता है रात का, रिसेप्शन है आज, और इसके बाद हम फिर ये और कल हम निकल जाएंगे यहाँ से। और अभी के लिए हम जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने। हमने होटल से चेकआउट कर दिया, सामान भर दिया गाड़ी में और यहाँ से निकलने लगे हम। पास में एक मंदिर है, यहाँ से वो मंदिर देखने जा रहे हैं। कहते कुल्लू का ये फेमस मंदिर है। 15 मिनट्स लेटर। देख लिया, माथा टेक लिया और बहुत सुंदर था अंदर से। और इस टेंपल का नेम है ज्वाला माता मंदिर। टाइम पड़ा है कुछ रिसेप्शन के लिए, तो हम शिव भाई को तंग करने फिर से उनके घर आ गए हैं। हम राहुल भाई को खींच के ले आए हैं। तुम नहीं होते हम। और बहुत बढ़िया रहा कल का बहुत बढ़िया रहा, बहुत बढ़िया रहा, बहुत अच्छा रहा। अच्छा मेन तो आपका कोट पैंट था। कोट पैंट भाई आपसे तो कम ही था। चलो आपने ये बिजली माथे वाला पहाड़ देखा है? बिजली माथे वाला पहाड़ है, इसकी बहुत ज्यादा मान्यता है। अच्छा। ये शिव जी का बहुत पुराना मंदिर है। अच्छा। इसके टॉप पे इसको बिजली माथे इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब कभी बारिश होती है कुछ सालों में ना, शिवलिंग के ऊपर बिजली गिरती है। अच्छा। पूरे मंदिर में सिर्फ शिवलिंग के ऊपर गिरेगी, बाकी एक टाइल भी नहीं टूटेगी। अच्छा। शिवलिंग के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, फिर उसको घी से जोड़ेंगे। और जब बिजली गिरती है ना ऊपर, आपको इतना रश मिलेगा, बहुत बड़ा ग्राउंड है पर आपको खड़ने का टाइम नहीं मिलेगा। बहुत ज्यादा मान्यता है इस मंदिर की। जिसपे क्लाउड आए हुए ना वो वाला। आज रात को फिर हमने चिल करना है। आज रात को फिर हम चिल करने जा रहे हैं। भाई ने लड़कियां देखनी है, भाई ने लड़कियां देखनी है। नए यूट्यूबर बने हैं राहुल भाई। और फेमस कर दो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करके। हाँ ये कर दो, बस यही चाहिए अपने को, सब्सक्राइब करना। से एक और गोम्पा, कल हम गोम्पा गए थे ना, तो भाई कह रहे हैं यहाँ से 5 मिनट का रास्ता है गोम्पा का। कहाँ पड़ता है गोम्पा यहाँ से? गोम्पा भाई ये वाला पहाड़ इसके पीछे है, इसके पीछे। A few minutes later. और शिव भाई गोम्पा के लिए निकल गए थे गाड़ी में, इसमें चले गए थे। बट बहुत दिनों से गाड़ी में घूम रहे हैं तो सोचा कुछ चेंज करें। गोम्पा जाने के लिए हम शिव भाई का बाइक निकाल रहे हैं, इनके बाइक पे जाएंगे। बुलेट लिया हुआ है नहीं होता बस भाई, फिर रेड के ले आएंगे। बहुत दिन हो गए थे यार गाड़ी चला चला के, गाड़ी में जा जा के घूम। जंगल में आ गए हम भाई। यहाँ पे पता क्या होता है, हाइट पे है ना, तो यहाँ पे सामने शेर चीता वगैरह आके बैठ जाते हैं रोड पे। शेर चीता आ जाता है? शेर चीता आ जाता है भाई। भाई पहुंच गए हम गोम्पा। बढ़िया सारे। चलो तो अंदर लाउड नहीं है फिर। ऐसा है कि उन्होंने हमें अंदर जाने नहीं दिया क्यों का, बट मैं भी नहीं देख पाया भाई। अब किस्मत ही ऐसी है, किस्मत ये बोल रहे संडे को खुलेगा।
संडे तक राहुल भाई यहाँ होंगे ही नहीं, हम चले हैं कल वापस जा रहे हैं। राहुल भाई का जाना तो, अगली बार अब राहुल भाई आ रहे हैं ना शादी के बाद, तब ये बीच में संडे रखेंगे और तब ये गोम्पा इनकी ड्यू है पक्का। मैंने इनको बोल ये देखना ही देखना है, इनको दिखाना है भाई। एंट्री देखी है हल्की सी, आपको थोड़ा सा आइडिया हुआ। इसका मंदिर बहुत सुंदर है, जब मैं पिछली बार आया था तो बन ही रहा था ना, कल वाला भी मैंने दिखाया ना बहुत सुंदर था, मतलब मजा आ गया वो वाला देख के। और कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम सही। यहाँ से शेर आ जाता है, यहाँ पे शेर वगैरह आते हैं, नॉर्मल है शेर वगैरह ना। हमारे घर के साथ वाले खेत में भी मैंने शेर देखा हुआ है। भाई मेरे को क्यों डरा रहे हो? डराने की क्या बात है इसमें, और ऐसा नहीं होता कि कुछ खाएंगे, कुछ फ्रेंडली होते हैं, अगर आप उनको तंग करो कुछ रास्ते में तब होता है ना। भाई मैं तो बंदों को नहीं तंग करता, शेर तो दूर की बात है। ये बात तो सही है। चलो बट भाई आज थोड़ा सा फिर भी लग हो गया, अभी रात के रिसेप्शन का एंजॉयमेंट तो आपने देखना है, अभी एंजॉयमेंट आप लोगों ने देखना है। Longer than a few minutes later. भाई कौन सी जगह है ये? ये मोहल का रेस्ट हाउस है पीडब्ल्यूडी का। हाँ तो आज हम यहाँ पे आए हैं, हम बस यहाँ पे थोड़ी शादी के लिए कुछ काम करने आए थे, तो उसी के बीच में हम राहुल भाई देखो हमारे अपनी बॉडी का शो ऑफ करने लगे, हमें जलाने लगे। इनको बस लोकेशन दे दो, शर्टलेस हो जाते हैं। अब देखो 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 पैर का ना, शादी का खाना कहाँ गया जरा दिखाओ, शादी का खाना कहाँ गया जरा दिखाओ। नहीं यार मेहनत है यार बंदे की, हर एक चीज में मेहनत कर रहा है भाई मतलब यहाँ के मेरे से रहा नहीं गया, और मैंने की चिंता लोकेशन अच्छी है भाई। बताओ कैसी लग रही है बॉडी? बहुत जबरदस्त है, हम तो ऐसे ही बड़े चलते हैं इस बॉडी से। हमारी अगर इतनी हो हम तो भाई साहब जन्नत प्राप्त हो जाएगी। सो भाई हम हो गए थोड़े से गीले, अब हम थोड़े गीले हो गए, वापस घर पहुंच गए, रात को मिलते हैं। Later that same evening. भाई मोरा रात के 9 बज गए और हम फिर से पहुंच गए अपनी लोकेशन पे, और ये हम जा रहे हैं। भाई जान हम आ गए हैं रिसेप्शन पे, रिसेप्शन पे, और भाई की लुक चेक करो, और भाई पहले मेरी चेक करो फिर आपको एक स्मार्टी दिखाएंगे। एक ये स्मार्टी है, हमारे दूसरे भाई आ गए स्मार्टी, ये सबसे स्मार्ट अब बंदा है हमारा। कल वाले व्लॉग में थार चलाई थी ना भाई की, ये थार जो इन्होंने चलाई है कल वाले व्लॉग में इनकी है, भाई की क्या थार है आपने देख ली होगी, जैसी चलाई है वैसी भी देख ली है सबने भाई। वो वाला सीन ही मैंने डाले, इनकी कुछ नहीं चलनी, हमने पहले ही बोल दिया है भाई। बाहर आए इन्होंने, जब हम इनके यहाँ लुधियाने गए थे, इन्होंने हमारे साथ चीट नहीं किया था संडे के अलावा। मैंने इनको पहले बोला आप कुल्लू आओ, आपको हम चीट करा के ही छोड़ेंगे, और हर वक्त भाई होगा। मैंने सोचा था एक आधा दिन तो मैं डाइट सही कर पाऊंगा, भाई ने नहीं करने, हो ही नहीं सकता भाई ने करने, हमारे तो ऐसे ही निकले हैं, हमारे तो ऐसे ही निकले हैं, भाई अभी भी नहीं हट रहे भाई। हमारे डोसा ले आए हैं, दो भाइयों खाओ यार, इन्होंने बॉडी नहीं बनाने देनी, बॉडी कौन बनाता है भाई। हमारे राहुल भाई आज फायर पान ट्राई कर रहे हैं भाई, इनके अंदर ऐसी बड़ी आ गए और मत डालो गया भाई। हम हो गए हैं फ्री, और भाई फिर से अपने डेथ रूट वाली राइडिंग शुरू करने लगे भाई, डेथ वाली राइडिंग कहा थी ना फटाफट, जल्दी पहुंच जल्दी, अब जल्दी जल्दी आ रहे हैं ये। अब इनकी ब्लॉगिंग सीरीज का एंड होने वाला है, अब एक आधा उसका आएगा वापसी का, वो जो हमारा बीच में पेंडिंग रहता है, जो बीच में पेंडिंग रहता है वो तो भाई साहब वो तो बड़ा प्लान, डन डन, वो तो बड़ा प्लान डन, वो तो बाद में आएगा, हाँ, वो जल्दी डालेंगे। दीदी ने इमोशनल कर दिया, आप कर रहे हो यार, अब तो आते रहेंगे राहुल भाई, अभी आते तो रहेंगे भाई, वो जो 3-4 महीने का गैप है ना वो फील नहीं हो रहा, कैसे निकालना है वो फील हो, वो पता नहीं क्या है यार, मजा होता है बट बहुत बढ़िया। बाय 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 बाय।
मिलते हैं कल, फोन कर देना। हाँ पहुँच के फोन करूंगा रास्ते से भी। ठीक है ओके भाई। ओके भाई व्लॉग व्लॉग अपना सीक्रेट लोकेशन है, सीक्रेट लोकेशन है, जल्दी मिलेंगे। जल्दी आऊंगा जल्दी। ठीक है ओके बाय बाय बाय। अभी बज रहे हैं सुबह के 5 और हम निकल रहे हैं। ओके भाई भाई जा रहा हूँ मैं। बाय बाय सो जा। ठीक है भाई ठीक है भाई बाय बाय। ओके मिलेंगे जनवरी में। ओके बाय बाय बाय। घर पहुंच गए हैं, टाइम हुआ 3 बज गए हैं, सुबह 5 बजे के निकले हैं, अब 3 बजे पहुंचे हैं। तो ये सीरीज यहीं पे ख़त्म होती है और इसके बाद मैं आगे ब्लॉगिंग कंटिन्यू रखूँगा, नए नए टॉपिक्स पे वीडियो लेकर आऊँगा, आते रहूँगा। और ये ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। कोई वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं जल्दी एक नई ब्लॉग में।